राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सदनों के अंदर तो हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे राज्यसभा की बात कर ले और चाहे लोकसभा की, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा होता हुआ। और हमें आज भी ये आशंका है कि कहीं हंगामे की भेंट एक बार फिर से सदन की कार्यवाही ना चढ़ जाए। और बजट को लेकर विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहा है और हंगामा कर रहा है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हलचल को लेकर, किस तरह की जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, का जैसे ही 11 बजे संसद शुरू हुई तो जो विपक्ष के नेता थे, क्योंकि कल जिस तरीके से विपक्ष ने एक बैठक बुलाई बजट रखने के बाद, जिस बजट को रखा निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, और 40.10 लाख करोड़ का बजट जो है पूरे देश के विकास के लिए तैयार किया गया, और उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ उसका पैसा खर्च होगा, किस मद में, वो सारी जानकारी दी। एक घंटे से ज़्यादा का उनका भाषण चला, संबोधन चला। उसके बाद शाम को इंडी गठबंधन ने अपनी एक बैठक बुलाई विपक्ष के नेताओं ने, और उसी से कयास लगाए जा रहे थे कि जो विपक्ष की जो नीयत और नीति है जी, उनकी जो रणनीति है, वो स्वाभाविक तौर पर आज हंगामा करने की थी। जैसे 11 बजे संसद शुरू हुई तो सांकेतिक तौर पर जो विपक्ष के जितने भी सांसद थे, चाहे उसमें हम नेता विपक्ष की बात कर लें, राहुल गांधी की, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात कर लें, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता थे उनको पट्टियां लेकर बाहर निकले, और उनको जो बजट था उस बजट को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बजट भारत के लिए नहीं बना है। जो आप जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस विकसित भारत के लिए नहीं बना है। गरीब की इसमें बात नहीं की गई है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका कोई आपने इसमें जिक्र नहीं किया है, जो नौकरी पेशा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं इसमें किसी को कोई राहत नहीं मिली है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन हुआ। लेकिन उमस भरी गर्मी, आज सुबह बारिश हुई है, उमस भरी गर्मी के बाद ये तकरीबन जो प्रदर्शन था ये तकरीबन 20 मिनट के आसपास चला। उसके बाद सारे सांसद वापस अंदर अपनी अपनी सीटों पर लौट गए हैं और संसद की कार्यवाही यथावत चल रही है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो पीठासीन सीट है उस पर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो विराजमान हैं। उसके अलावा चंदौसी के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी कि भाई जो रेल थी, जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के लिए कुछ जो हाल्ट थे जहाँ पर उन्हें रुकना था वो ट्रेनें वहाँ पर नहीं रुक रही हैं, तो क्या वो यथावत रहेंगी नहीं रहेंगी, इन तम जो सामान्य जो चीज़ें थी उन पर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई अंदर से नज़र आ रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं। उसके अलावा विपक्ष की तरफ से जो 20 घंटे का जो बजट रखा गया है, बजट पर जो चर्चा होगी उसके लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, और ये जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में सरकार की मंशा है कि तकरीबन वो 12 से ज़्यादा कमेटियों की बैठकें होंगी और तकरीबन 6 नए जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को लाया जाए, नए कानूनों को लाया जाए और उनमें कुछ अमूल चूल परिवर्तन किया जाए, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे हैं वो तकरीबन 100-200 साल पुराने जो कानून हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें कुछ फेरबदल की जो संभावना है वो व्यक्त की जाएगी। लेकिन बजट पर जो चर्चा है उसके लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और वो थोड़ी बहुत देर में उस पर चर्चा शुरू होगी। 20 घंटे तक ये जो चर्चा है ये चर्चा चलेगी, उसमें विपक्ष किस तरीके से अपनी बातों को रखता है उस पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो संसद भवन है, संसद भवन के बाहर की जो स्थिति है वो सामान्य है, सहज है, और सारे सांसद जो हैं वो इस समय संसद भवन के अंदर चले गए। बिल्कुल राजकुमार, तो जैसा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि बजट में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वो बिहार और आंध्र प्रदेश का रखा गया है, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को साधना सबसे बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए, और ऐसे में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट को पास करना ये सबसे बड़ा प्रदर्शन का मुद्दा बना हुआ है। और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये कहती हुई नजर आई कि अगर उन्होंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया है बजट स्पीच के दौरान तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने उस राज्य के बारे में सोचा नहीं है। बल्कि अभी महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए भी 76,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं बजट में, और ऐसे में ऐसे तमाम राज्य हैं जिनको लेकर बजट में ख्याल रखा गया है। लेकिन विपक्ष अभी भी जोरदार हंगामा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल एंगल के बाद भी और इस बिंदु के बाद भी कुछ और अन्य तथ्य भी रह जाते हैं, कुछ और अन्य बिंदु भी रह जाते हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है या अपनी कार्यवाही के दौरान लगातार वो हमलावर है, प्रदर्शन कर रहा है? देखिए मनीषा, इसको हमें शायद पूरे देश की जनता भी इसी तरीके से देखेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
पूरा देश जो है वो अखंड भारत है और 28 प्रांतों में हम लोग बटे हुए हैं। उसके अलावा 140 करोड़ की आबादी है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारतीय है। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और विकास वहाँ भी होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर लें, एक्सप्रेसवे चल रहा है, बन रहा है, तो उस पर केवल आंध्र प्रदेश की जनता नहीं चलेगी। अगर उस पर दिल्ली या उत्तर प्रदेश के या किसी और प्रांत के किसी व्यक्ति को अगर जाना है तो वो अपनी गाड़ी लेके जा पाएगा। अगर एक्सप्रेसवे बनेगा ही नहीं तो उसको किस तरीके से आगे आप देखेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की बात की जा रही है, अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में जो पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, जो बिजली लगेगी, उस बिजली को यूज करने का हक हर भारतीय का है। हर घर रोशन होना चाहिए। यदि पैकेज दिए गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को किस तरीके से लाभ दिए। अगर हम बात कर लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं इस समय, जिनकी हम बात करें, चाहे हम मुद्रा योजना की ही बात करें, अगर मुद्रा योजना में कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अगर वो करता है, उसमें आवेदन करता है, तो उसको भी उतना ही लाभ मिलना है। और बिहार का जो व्यक्ति है, अगर वो भी उसमें आवेदन करेगा तो उसको भी उसी तरीके से मानदंड वही है। तो ये जो विपक्ष की तरफ से एक इस तरीके का जो प्रयास किए जा रहे हैं, स्वाभाविक तो देखिए राजनीति में सारी चीज़ों को कहने का हक हर किसी को होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी आई 240 सांसदों के साथ अंदर, अगर 272 सांसद उनके होते तो शायद ये बातें कहने का हक जो है वो विपक्ष के पास नहीं होता। पिछले अगर दो ट्रंप की बात करें, दो ट्रंप ऐसे थे कि विपक्ष का नेता ही नहीं था। आज यदि लोकतंत्र में अगर विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो उन्हें अपनी बात कहने का हक है। लेकिन कई बार हमें दिल को बड़ा करने की आवश्यकता होती है। केवल अगर बिहार और आंध्र प्रदेश तक अगर हिंदुस्तान की सरकार को अगर समेटने का प्रयास किया जाएगा तो जनता देखती है। अभी हरियाणा है, तमाम किसी भी प्रदेश की बात कर लें, हम 28 प्रदेशों में किसकी बात करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा इसलिए रखना होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पर तमाम नियम चलते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री की योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं के लिए ये फंड रिजर्व किए गए हैं, सूर्य योजना की बात कर लें, अगर सोलर सिस्टम किसी को लगाना है तो वो तमाम जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी बिहार के व्यक्ति को भी उतनी मिलेगी, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को भी उतनी मिलेगी, दिल्ली के व्यक्ति को भी उतनी मिलेगी, और उत्तर प्रदेश या तमाम जो और प्रदेशों की बात कर लें हम, उनमें भी अगर हिमाचल की बात कर लें, हिमाचल में अगर किसी को सोलर सिस्टम लगाना है तो उसको भी सब्सिडी उतनी ही मिलनी है। तो जिस तरीके से ये आंध्र प्रदेश और बिहार के आसपास ये जो घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके सीधे सीधे मायने हैं कि ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जो है वो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि सरकार बैसाखियों पर है और साथियों के साथ मिलकर चलना है एनडीए की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार में भी जो भारतीय जनता पार्टी की दो ट्रंप की सरकार चली आई है, चाहे उनके नेतृत्व की स्पष्ट बहुमत की जब सरकार होती है तो निर्णय थोड़े लेने अच्छे होते हैं। शायद हो सकता है कि हंगामा उस समय और तरीके का होता अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी 240 पर ना आके 272 पर रही होती। लेकिन देश का विकास होना है और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने कहा, वित्त मंत्री ने, देखिए संवाद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी तरफ से प्रश्न आया है तो उत्तर भी आपको सुनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है, पूरा देश देखता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति अपने फ़ोन में खोल के संसद की कार्रवाई को देख सकता है कि कार्रवाई किस तरीके की चल रही है, कौन हंगामा कर रहा है, हंगामे की वजह क्या है, मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर चर्चा। अब इतर ये है कि देश की जनता ये चाहती है कि जो विपक्ष है, विपक्ष उसमें और बेहतर क्या होना चाहिए, जो बजट रखा गया है किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो बिल्कुल हंगामे से ज्यादा चर्चा में ध्यान देना चाहिए विपक्ष को। बिल्कुल राजकुमार, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।